भीलवाड़ा जिले के गुलाबपुरा थाना क्षेत्र में रहने वाली विवाहिता से दुष्कर्म के बाद वीडियो वायरल करने की धमकी देकर पति का दोस्त डेढ़ वर्ष तक देह शोषण करता रहा। आरोपी ने विवाहिता से वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर करीब 55,000 रुपए की नकदी भी वसूल कर ली। पीड़ित विवाहिता बीते 20 दिन से न्याय के लिए गुलाबपुरा थाने और साथ ही SP ऑफिस के बीच चक्कर लगा रही है, मगर उसे न्याय नहीं मिल पा रहा। आरोपी बीते एक सप्ताह से मुकदमा वापस ना लेने पर जान से मारने की धमकी भी दे रहा है। पीड़िता ने कहा कि बलवंतपुरा ग्राम विकासी निवासी शरीफ खां मेव ने 1.5 साल पहले मेरे कुछ खराब फोटो खींच लिए थे। उसके बाद वो मुझे उन्हें वायरल करने की धमकी देकर आए दिन मेरे साथ दुष्कर्म करता रहा। भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा जिला उपाध्यक्ष ने कहा कि आरोपी गांव में दबंग होने के चलते आए दिन पीड़िता पर मामला वापस लेने का दबाव भी बना रहा है। मेरे साथ जो 1.5 साल से गलत काम हो रहा है, गलत काम होने की वजह हमने शिकायत करने के बाद भी मुजरिम को पकड़ा नहीं, और पकड़ने के बाद भी उसको छोड़ दिया गया। और मतलब मैं ये चाहती हूँ कि मेरे साथ हुआ जिसकी सज़ा मिलनी चाहिए, और कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए उसको, दूसरे के साथ ना हो ऐसा। धमकी भी दे रहे हैं? जी हाँ, हमको धमकी दे रहे हैं कि मतलब मेरे परिवार को और मेरे घर वालों को नीचे ट्रक के देख नीचे लगा मार डालेंगे। ये क्या सोशल मीडिया पे वीडियो अपलोड करने की भी कह रहा है? और मतलब वो कह रहे हैं कि जिस फोटो खींचे वीडियो बनाई जो नेट पर डालने की कह रहा है वो, और धमकी दे रहा है मेरे को। पैसे मांग रहा? पैसे मांग रहा है वो, मतलब जब ले लेंगे एक बार पैसे। हाँ, पैसे ले लिए पहले भी और अभी धमकी लगा रहा है, मतलब कि अभी पैसे। शरीफ खान? क्या सरकार बचा रही, पुलिस बचा रही, वहाँ के नेता बचा रहे क्या उसको? बचा रही है, जब भी तो वो अभी तक फरार है, तुझे कब से जेल में होता अब तक पुलिस वाले कार्रवाई।